आफत की बारिश है, डूब के जाना है अखाड़ा में। अब बात बाढ़ और बारिश की आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जहां सैलाब का संकट अब भी जारी है, अब बात यूपी के सहारनपुर में, संकट अब भी जारी है। सब जगह बारिश का कहर है, अलग अलग जगह सैलाब का संकट, पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में भी, मनाली में, हिमाचल प्रदेश में नदी में उफान आप देख रहे हैं, पहाड़ों में मौसम का तांडव, हनुमानगढ़ में झील बन गया पूरा शहर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए कठुआ में लोग, जम्मू में, और वहीं पानी में डूब गए खेत हरिद्वार में, चमोली उत्तराखंड में भी आप देखिए पानी का कितना तेज बहाव है कि लोग हैरान परेशान रह गए। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर, 8 तस्वीरें हैं कुल्लू से लेकर चमोली तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हर जगह राजस्थान, हनुमानगढ़ और हरिद्वार में हर जगह इसी तरह बाढ़ की आफत है, भले ही वो उत्तर प्रदेश हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या हिमाचल, हर जगह मौसम का कहर इस तरह कुछ कि खेत पूरी तरह से डूब गए, शहर झील बन गए, और पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, हर जगह सिर्फ पानी का कहर, कुदरत का ये कहर। कठुआ जम्मू में कुछ लोग इस आफत की बाढ़ में फंस गए, जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए, ये तस्वीरें आपकी बॉटम स्क्रीन पर हैं। वहीं पानी में पूरी तरह से खेत डूब गए हरिद्वार उत्तराखंड में, चमोली उत्तराखंड में भी एक तरफ पानी का कहर, इतनी तेज धार से पानी आ रहा है कि लोग फंस गए, दूसरी तरफ वहां जमीन दरकने की भी खबरें हैं, लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कुल्लू में भारी बारिश के बाद अब पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तेजी से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मणिकर्ण घाटी में पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे उखड़ गए। वहीं चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये देखिए जमीन दरकने की वजह से और ऊपर से वहां लैंडस्लाइड, पानी के तेज बहाव की वजह से पानी अपने साथ अपने वेग में सब कुछ बहाता ले गया और चंडीगढ़ मनाली हाईवे को फिलहाल बंद करना पड़ा है। अब कुल्लू से ही एक और चौंकाने वाली तस्वीर आ रही है जहां भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उफनती व्यास नदी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है, लेकिन आप पानी का फोर्स देखिए और पानी का लेवल देखिए, कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि आसपास के सभी इलाकों को खाली कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है थोड़ी से दूर हट जाएं, जल स्तर कितना बढ़ जाएगा पता नहीं। और जिस वेग से आप देख रहे हैं कि इन मकानों के बगल से व्यास नदी बह रही है और पानी का शोर भी सुन सकते हैं, आप गूंज रहा है हर तरफ। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के साथ ही पहाड़ों के खिसकने का मामला भी सामने आने लगा है। मनाली ले हाईवे पर एकाएक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से सभी लोगों को यात्रा से बचने की अपील की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे से पत्थरों को हटाने की कोशिश भी जारी है, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ की तरफ से लैंडस्लाइड्स हैं और ये पत्थर छोटे बड़े अलग अलग सब सड़कों पर आ गए और सड़कें ही छुप गई, समझ में ही नहीं आ रहा कि पहाड़ कहाँ है और सड़क कहाँ। और खतरे से खाली नहीं, इस बुलडोजर और उसके चालक के लिए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे से खाली नहीं कि कब ऊपर से और क्या बरसेगा किसी को पता नहीं।
अब वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पहाड़ी इलाकों को करना पड़ रहा है, जहां नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेकफेस्ट, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा है, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ली लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती है, लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहां के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहां सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि
कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ धस गया और मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। हालांकि मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम इस वक्त जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार लोगों को इससे डर हो रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी इस अलर्ट के मुताबिक दरिया चिनाब में कभी भी सैलाब खतरे के निशान को पार कर सकता है, क्योंकि लगातार चिनाब के पानी में इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अखनूर में सभी अभी दरिया चिनाब के का पानी 26.2 फीट है। दरिया चिनाब को लेकर अलर्ट का लेवल 32 फीट है। डेंजर लेवल यानी खतरे के निशान का स्तर 35 फीट बताया जा रहा है, जबकि इवैक्यूएशन लेवल यानी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए दरिया का स्तर 42 फीट तय किया गया है। पर धीरे धीरे यह जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब वहीं आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। आपको तीन तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां गंगा नदी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। आखिरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां पहाड़ों से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करते हैं, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नदी उफान पर है। मिर्जापुर इलाके की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब के बीच में एक कार फंस गई। अब जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि एक ट्रैक्टर वहां जा रहा है, इस कार में जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए ये कार फंस गई और फिर ट्रैक्टर वहां गया और फिर काफी मेहनत मशक्कत के बाद जो लोग फंसे हैं उनको बाहर लाया गया। अब ये भी जोखिम से खाली नहीं है जो यहाँ काम किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। एक तो वहां कार फंस गई, उसके बाद ये पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लगता है कि भाई उनके पास इतना हॉर्स पावर है कि सैलाब को चैलेंज कर सकते हैं। बार बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि ये मत कीजिए, ये बेवकूफ़ी है। फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा कदम उठा रहे हैं बावजूद इसके कि रेगुलर अलर्ट। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं हरिद्वार की, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा मैया में उफान की वजह से निचले इलाके पानी की चपेट में आ गए हैं। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ में फैली फसल के बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। कई गांवों का संपर्क भी शहरों से टूट चुका है, जिस वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांवों में गंगा नदी ने तबाही मचाई हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दार्जिलिंग में बारिश का कहर जारी है। जिले में बालासन नदी में आए बाढ़ की वजह से 11 छात्र फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की टीम ने सैलाब के बीच से सभी छात्रों को रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये रात का ऑपरेशन है कि दमकल कर्मियों की टीम ने कैसे रस्सी के सहारे एक एक करके कुल 11 छात्रों को रेस्क्यू किया। ये एक और तस्वीर यहां पर आ रही है, जहां दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में नदियां बालासन नदी उफान पर है। अब इस इलाके में नेपाल में अगर बारिश होती है तो वहां की नदियों में उफान आता है और जिसकी वजह से पानी सीधा बंगाल और बिहार दोनों जगह पर इसका असर पड़ता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक तरफ आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी जो बयान जारी किया है वो परेशान करने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट कहता है, और अगर मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो उत्तर भारत पर अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। उत्तर भारत के कई प्रदेशों में 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है, तो वहीं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग से जारी किया गया है। इसके अलावा बंगाल में भी बारिश की आशंका है।